Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to another vlog of my Thailand vacation series. So this is vlog number 4. I hope aapne isse pehle ke vlogs dekh liye honge. If not, to is video ke baad fatafat se unko bhi check out kar lijiyega. Anyhow, this is day number 4 aur dikhati hu aapko humne kya kiya apne 4th day pe. So basically is din hum log Karabi se Phuket wapas ja rahe the kyunki hamari aage ki planning Phuket ke thi. On the way kafi sari पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है तो हमने सोचा उनको भी कवर करते हुए चलते हैं. उससे पहले ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे के थाईलैंड का जुगाड़ है. स्कूटी के साथ लोग ये कुछ अटैच कर लेते हैं और इसी पे ही पूरी फैमिली ट्रैवल करती है. कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्रॉस करते करते वाओ क्या व्यू था, मज़ा आ गया. तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स एमरल्ड पूल. एमरल्ड पूल एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. बहुत सारे टूरिस्ट आपको यहाँ पर दिखेंगे. टिकट बुकिंग आपको यहीं पे ही मिल जाएगी, आप यहीं से टिकट लेकर अपनी अंदर जा सकते हैं. सो बेसिकली एक ये जंगल है, जंगल के बीच में एक नेचुरल पूल है जो कि एमरल्ड कलर में है, बहुत सुंदर लगता है. हाउएवर ये जो पूरा रास्ता है पूरा वॉक करके आपको जाना पड़ता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर, 1400 मीटर्स का रास्ता है. बट आपको पता ही नहीं लगता कैसे आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर पहुंच जाते हो. बहुत ही सुंदर ये रास्ता बना रखा है. कहीं पे आपको क्रीक्स दिखेंगी, बहुत सारे ब्यूटीफुल आपको ट्रीज और प्लांट्स दिखेंगे, बर्ड्स चर्पिंग करते हुए उनकी आवाज़ें आएंगी. बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा काम और सीरीन लगता है. वॉक करने में तो बहुत ही मज़ा आ जाता है. एंड बस वॉक करते करते 5-10 मिनट में आप लोग एमरल्ड पूल तक पहुंच जाएंगे. यहाँ पे एमरल्ड पूल के साथ साथ एक ब्लू पूल भी है. हम लोग ब्लू पूल नहीं गए, सिर्फ एमरल्ड पूल तक ही गए थे. सो अभी आपको दिखाऊंगी वो कितना सुंदर लगता है. बट इट्सेल्फ ये जो वॉक है इसी में ही अलग ही मज़ा आ जाता है. बस वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए एमरल्ड पूल तक. एमरल्ड पूल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही देखकर ऐसे ब्यूटीफुल फीलिंग आती है. एक नेचुरल पूल है. यहाँ पे बेसिकली नीचे जो एल्गी है वो ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन कलर की है और पानी उसके ऊपर डलता है. जब सन की लाइट पड़ती है तो ये एमरल्ड कलर रिफ्लेक्ट करता है एंड हैंस द नेम. काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है एंड मैं तो इसमें नहीं गई क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अच्छा नहीं लग रहा था ये काई काई में जाना. बट बहुत लोग गए थे एंड यहाँ पर फिशेज भी घूम रही थी. आघव और मम्मी ने तो अपने पैर डिप कर लिए और इन्जॉय कर लिया उनको. बस मैंने तो आसपास खड़े होके देखा, एंजॉय किया. एंड यहाँ से बाहर निकलने के लिए ना ये रोप को यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना स्लिपरी है यहाँ पे. ये नेचुरल पूल है, मैन मेड नहीं है. सो इसलिए बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर है. इसके बाद हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई. यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा डिफरेंट सा कोई फ्लावर था. बस इसके बाद हम लोग वॉक करके वापस बाहर निकले एंड अपनी गाड़ी में बैठ कर हम वापस चल दिए. सो एमरल्ड पूल से वापस फुकेट जाते वक्त रास्ते में आता है हमारा सेकंड स्पॉट. सेकंड स्पॉट इज़ द वेरी फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग्स. हॉट वाटर स्प्रिंग्स नेचुरल रिजर्व है, एक जगह है जहाँ पे नेचुरली गर्म पानी आता है. हमारे इंडिया में भी काफ़ी जगह पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती हैं. ये भी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है यहाँ पर भी. बट ये रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 3-4 मिनट्स का वॉक करके आप एंट्रेंस से हॉट वाटर स्प्रिंग्स तक पहुँच जाते हैं. इसका रास्ता भी बहुत सुंदर है. एक्चुअली लोगों ने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है नेचर के साथ उसको प्रिजर्व करने के लिए. बट यहाँ पर क्योंकि ऑफ सीज़न था इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं था एंड आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो. सबसे पहले तो मम्मी घुस गई थी पानी में क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा शौक था. उन्हीं ने ही हमें पुश किया था कि नहीं, हमें इन सब जगहों को भी कवर करना है. एंड देन आघव फॉलोड हर अलोंग. आघव को भी सबसे पहले कूदना था, फिर हम लोग भी धीरे धीरे इनकरेज हो गए और चले गए. एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का पानी बहुत गर्म था. आई थिंक वहाँ पे साइन भी लिखा था अराउंड 35-40 डिग्रीज तक का गर्म पानी इसमें होता है, तो एकदम उबल रहा था. थोड़ी देर तो ठीक है बट कुछ टाइम में तो मुझे बहुत ही गर्मी लग गई तो मैं तो बाहर आ गई. बस यहाँ पर कुछ देर इन्जॉय करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए, चेंज वेंज किया एंड देन हम लोग निकल गए टूवर्ड्स फुकेट. पूरे रास्ते में
में हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आई कि हमें खाने को कोई रेस्टोरेंट या कुछ नहीं मिले। आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स होते हैं, सो ऑन द वे अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी अपना खाना अपने साथ ले जाएं। हाउएवर जैसे जैसे हम फुकेट पहुँचे आपको पता लग जाएगा हम सिटी में आ गए हैं, एंड सिटी के रास्ते होते हुए अलग सीन लग रहा था कि वाह अब हम कहीं शहर में आ गए, अब हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। दिस इज़ आर रिज़ॉर्ट। ये रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा था, अगेन ये भी एक मेन मार्केट के बिल्कुल सामने था, एंड जितनी देर आयुष चेक इन करा रहा था हम लोग यहाँ आ गए। इनका लॉन एरिया था और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो उस दिन वहाँ पे मूवी नाइट चल रही थी। दो दिन के बाद फिर से मूवी नाइट थी, तो बच्चों के साथ बड़े मतलब फैमिलीज बैठकर बच्चों के साथ एंजॉय कर सकती है मूवीज़। एंड फिर हम लोग अपने रूम में गए। ये मेरे रूम का एक छोटा सा टूर है, काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा रूम था। बस मुझे यहाँ के जो रूम्स हैं फुकेट और कराबी दोनों जगह, मुझे लगा कि कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होते हैं। इंडिया के होटल्स के जो रूम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, एंड अदरवाइज़ भी मैंने जहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल किया है सब जगह हमें थोड़े बड़े रूम्स ही मिले हैं। एनी हाउ अब फिर उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, क्योंकि रात थोड़ी वेस्ट करनी है, दैट इज़ पटोंग बीच। पटोंग बीच बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर है फुकेट में, हर एक टूरिस्ट पटोंग बीच ज़रूर आता है। और ये एक पूरी मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी बहुत उस दिन वेदर बहुत अच्छा था तो बहुत मज़ा आ रहा था। और आगव को ये टॉय मिल गया, एंड उसकी तो ये टॉय वो इंडिया भी लेकर आया और अभी भी इसके साथ खेलता है। उसके बाद हम लोग गए द वेरी फेमस बांग्ला मार्केट। बांग्ला मार्केट बहुत फेमस है, जो लोग फुकेट गए होंगे उनको पता होगा। ये थोड़ी बदनाम भी है, बट अदरवाइज़ बहुत सारा टूरिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा खाना पीना, वेरी लाउड म्यूज़िक, डांस शोज होते हैं, एंड बहुत कुछ होता है। तो चलिए आपको अपने साथ साथ ले चलती हूँ बांग्ला रोड पे, बांग्ला मार्केट में। तो ये एक पर्टिकुलर रोड है जहाँ पे ये सब पब्स हैं और ये सब खाने पीने की जगहें हैं, बहुत लाउड म्यूज़िक होता है। इसके आसपास पूरी मार्केट है जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, और ये कुछ डांसर्स थी, इनके साथ भी आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो 100 baht देकर। तो हम लोग चाहते थे फ़ोटो खिंचवाना बट हमें टाइम नहीं मिला, आग बहुत क्रैंकी हो गया तो उसे भूख लगी थी, एंड उसके बाद हम लोग आ ही नहीं पाए यहाँ तक, बस आसपास शॉपिंग ही करते रह गए। आयुष वांटेड कि इनकी गोदी में आगव को बिठा के पिक्चर क्लिक कराई जाए। एनी हाउ दिस वॉज व्लॉग नंबर 4। इसके बाद हम लोग खाना वाना खा के अपने होटल चले गए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।